खबर शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र से है। यहाँ हम आपको बता दें कि देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत बर्फ फैक्ट्री के पास निवासरत शालू वाल्मीकि अपने मायके से ससुराल झांसी जा रही थी, तभी वह घर से निकली और उसने नीलगढ़ चौराहे से ऑटो को पकड़ा और ऑटो में बैठकर आईटीआई तिराहे पर बस के लिए आई, तभी लगी हुई बस मिल गई, जिसके बाद उसका बैग ऑटो में ही छूट गया। शालू पुत्री बल्लू वाल्मीकि निवासी बर्फ फैक्ट्री ने बताया कि वह अपने मायके ससुराल झांसी जा रही थी, तभी वह घर से निकली तो पड़ोसियों के साथ वो ऑटो में नीलगढ़ चौराहे से बैठ गई, लेकिन जैसे ही ऑटो आईटीआई तिराहे के पास पहुंची तो झांसी की बस लगी हुई मिल गई। जल्दी जल्दी में वो अपना बैग ऑटो में भूल गई और ऊपर बस में चढ़ने लगी तो उसे ध्यान आया कि बैग ऑटो में छूट गया है, जिसके बाद शालू ने बस में से उतरकर ऑटो वाले को आवाज़ लगाई, लेकिन ऑटो वाला ऑटो लेकर चला गया। इसके बाद उसने शिकायत देहात थाना में कराई और कैमरे देखे। इसके बाद पता चला कि राम सिंह लोधी पुत्र कमल लोधी निवासी बाबू क्वार्टर रोड ऑटो का मालिक है और उसका फ़ोन भी, जब उसे फ़ोन पर संपर्क करना चाहा तो उसका नंबर बंद आ रहा था, जिसके बाद शालू वाल्मीकि ने SP से गुहार लगाई है कि उसका बैग उसे वापस दिलवाया जाए। शालू ने बताया कि बैग में चांदी की करधोनी, 2000 रुपये नकदी और ज़रूरी दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड भी थे। कहाँ रहते हो? पुराने सिटी में। क्या घटना हुई आप? ये हमारा बैग चला गया, उसमें ना चांदी की करधोनी थी हमारी और 2000 रुपये थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पूरा सामान था हमारा। कैसे चला गया? वो ऐसे चला गया, हमें ना क्या बोलते हैं, बस हमें लगी हुई मिल गई, जैसे हम ऑटो में से उतरे तो हम बस में चढ़ने वाले थे, तब तक हमें ध्यान आया कि हमारा बैग रह गया, तो हम उतरे नीचे उसमें से, तो हमने ऑटो वाले को आवाज़ लगाई, उसने सुना नहीं, वो चला गया। कहाँ की घटना है, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हमें ना इधर से नीलगढ़ चौराहे से भेजे थे आईटीआई के लिए, आईटीआई पहुँचे हम नीलगढ़ चौराहे से। आईटीआई से बस थे आप? झांसी जा रहे थे हम, आईटीआई से हमें बस मिल गई। क्या क्या सामान था आपका बैग? उसमें था हमारी करधोनी थी चांदी की और 2000 रुपये थे और क्या बोलते हैं, कागज़ थे उसमें हमारे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब सामान था, मार्कशीट थी। इसकी शिकायत आपने थाने में की? हाँ सर, की थाने में, उसको कैमरे वैमरे में भी दिखवा लिया हमने। तो ऑटो मिल गया कैमरे में? नहीं, ऑटो वाला तो नहीं मिला अभी, उसका नाम पता एड्रेस वगैरह ये मिला अभी, नंबर वगैरह बस, ये लोग पकड़ी नहीं रहे, कुछ कार्रवाई नहीं। कहाँ का रहने वाला है ऑटो? ये क्या बोलते हैं, बाबू क्वार्टर 37 नंबर। क्या नाम है उसका? नाम है राम सिंह लोधी, उसके बाप का नाम है कमल लोधी। आपके साथ कोई और नहीं गया था? हमारे साथ कोई नहीं था, हमारे बगल में जो रहती थी तो उनको कहीं जाना था, बबीना जा रही थी, तो उनने बोला आप हमारे संग चलो, संग साथ हो जाएगा, तो हम उनके संग चले गए, वो तो बस में चढ़ गई, हम चढ़ने वाले थे, तो इतने में ऑटो वालों को आवाज़ दी, हमने वो रुका नहीं, वो बैग लेकर चला गया।